इंडिया से कंपैरिजन, मेरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि हमारा इंडिया से कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया अगर हम हुजम की बात करें, नक्शे की बात करें, हमसे कई गुना बड़ा है, तकरीबन 6 गुना, तकरीबन 6 गुना बड़ा है, तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे, अब मेरा चूंकि ताल्लुक आईटी की फील्ड से है, जिस तरह वहाँ पे आईटी ने ग्रो किया है पाकिस्तान में, उस तरह से नहीं जा रहा। हालांकि हमारे पास भी इदारे हैं, फास्ट है, लम्स है, बड़े बड़े अच्छे इदारे अब बन चुके हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक इदारे हैं। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हूँ, लेकिन इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस टाइम पे चल रही है वो हमारे पास अभी तक नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा ही पौधा है जो मुरझा रहा है। हाँ जी, तो इसको तरोताज़ा करने के लिए, इसको ग्रीन करने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है? सबसे पहले जो है ना, जो ये आप काम कर रहे हैं ना, अवेयरनेस, अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि हम डरते बहुत हैं, किसी काम को भी ना करने से डरते बहुत हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना उनकी कोर्ट्स को, समझने किसी भी, यानी कि वाइट पर्सन, यानी कि जो इस टाइम हम जिनको कहते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी कोर्ट्स के केस देखेंगे ना, एक इशारा टूटने का भी केस उनकी कोर्ट में आता है। हम अगर यही यही पाकिस्तान में हो, एक बंदा यहाँ इशारा टूटने के केस में पहुंचा हो, उसके सुनी नहीं जाएगी, वो कहेंगे ये तो केस ही नहीं बनता। डेव सिंह के जो सीईओ हैं रिसेंटली, उनका मैं ना एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान की कुल आईटी की एक्सपोर्ट है, इंडिया की एक कंपनी है उसकी जो टोटल 1 ईयर की एक्सपोर्ट है उसके बराबर है। तो इस तरह के हमारे हालात हैं, और ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं। कि अब डेव सिंह का जो एक मकसद है, उनका भी यही मकसद है कि हर आने वाला बच्चा सीईओ, कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बने, पाकिस्तान में कंपनीज बने। ये हमारे नौजवान हैं, बड़ा सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, कोई उनकी जो भी मैनेजमेंट नहीं होती, रिकॉग्नाइज नहीं करते, इनकरेज नहीं करते उनको। ये मसले मसाइल हैं। अगर फैसलाबाद का कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ता है या जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अगर मुल्क से बाहर जाएगा भी, तो उसकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, यही कहेंगे ना आप? उसको जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो जब कहते हैं कि इसका क्या मसला है, वो कैसे इसका हल निकालो, तो फिर वो आगे खामोश होता है। इसलिए खामोश होता है, उसके पास पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास प्रैक्टिकल है ही नहीं। अगर अगर यूनिवर्सिटी में तो प्रैक्टिकल होता है, अगर उसका यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नहीं है तो उसकी डिग्री का फ़ायदा क्या, यूनिवर्सिटी का पढ़ने का फ़ायदा क्या? ओवरऑल अगर देखा जाए, देखें पाकिस्तान का तालिब इलम ना डर जाता है। अब अगर गूगल फेसबुक की जॉब्स की बात आए, गूगल की, मेटा की, तो इंडियन बेधड़क होकर उसके ऊपर अप्लाई करता है। पाकिस्तानी यही सोचते सोचते रह जाता है कि पता नहीं मेरे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, मैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एंटर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये कैरियर फेलोशिप, यानी कि उनकी वजह क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, या वैसे कुछ उनके अंदर कॉन्फिडेंस की लैक है? लैक ऑफ काउंसलिंग है कि काउंसलिंग नहीं की जाती। जो हमारा जो सिस्टम है वो इधर कोई अभी तक तो हमारा कोई सिस्टम नहीं बन सका कि पाकिस्तान ने चलना किस सिस्टम के तहत है। हमारा कोई निज़ाम नहीं है। हम ब्लेम दे सकते हैं, कंपैरिजन की बात नहीं है। इंडिया अगर अच्छा है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। हमने सिर्फ उनको कम्पीट किया है हथियारों में, अटोमिक पावर्स बन गए, वो भी बन गए, हम भी बन गए, उसके अलावा हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। डेफिनेटली वो अच्छे हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इंडियन स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने सब कैंपस खोलने जा रही हैं। इसके अलावा इंडियन जो डिग्री होल्डर स्टूडेंट हैं उनकी डिग्री को ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकग्नाइज किया जाएगा, उन्हें वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्टूडेंट की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ हैं। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटीज़ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर लैब तक नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट किस तरीके से दुनिया के अंदर अपने आप को मनवा सकते हैं कि जहाँ उनको मियारी तालीम नहीं हासिल होगी? तो जानेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट से कि उनको ये सहूलियात क्यों मयसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? उमेर अजमल। उमेर भाई क्या करते हैं? मैं इधर जीसी में स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8th सेमेस्टर में। माशाल्लाह, आज आपसे बात भी हम एजुकेशन के मुतल्लिक ही करेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है कि इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो डिग्री होल्डर हैं,
उनकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो रही है इंडिया के अंदर, तो जिससे अब जो इंडियन स्टूडेंट है वो वहाँ पर स्टडी करके ऑस्ट्रेलिया जो नहीं जा सकते वो इंडिया के अंदर ही स्टडी करेंगे, और जो ऑलरेडी डिग्री होल्डर हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है उनके लिए। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट जो है उनका फ्यूचर और इंडियन जो स्टूडेंट है उनकी जो अपॉर्चुनिटी है इसको कैसे कंपेयर करेंगे? पहली बात तो ये है कि देखें, ये दुख ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पहले हालात आपके सामने, तलीमी निज़ाम आपके सामने है कि ये हम कुछ बड़े शहरों में मौजूद हैं यहाँ तलीम का निज़ाम है, किसी छोटे कस्बे गांव में चले जाएं तो देहातों के जो बड़े बड़े वो वडेरे हैं उनके माल डंगर जो हैं आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, जो आपके स्कूल हैं देहातों के, कॉलेजेस तक में भी आपको नज़र आएंगे। तो ये तो हमारा तलीमी निज़ाम है, लेकिन बहुत हद तक हुकूमत कोशिश कर रही है, जैसे लैपटॉप स्कीम आती है या डिफरेंट स्कीम्स आती हैं, लेकिन इंडिया से कंपैरिजन, मेरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि हमारा इंडिया से कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया अगर हम हुजम की बात करें, नक्शे की बात करें, हमसे कई गुना बड़ा है, तकरीबन छः गुना बड़ा है, तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे, अब मेरा चूँकि ताल्लुक आईटी की फील्ड से है, जिस तरह वहाँ पे आईटी ने ग्रो किया है पाकिस्तान में, उस तरह से नहीं जा रहा। हालांकि हमारे पास भी इदारे हैं, फास्ट है, लम्स है, बड़े बड़े अच्छे इदारे अब बन चुके हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक इदारे हैं, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हूँ, लेकिन इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस टाइम पे चल रही है वो हमारे पास अभी तक नहीं आ रही, क्योंकि हमारे उसाज़ा उतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं, जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, बहुत कम बाहर गए, जो कम बाहर गए हैं अब वो पढ़ा रहे हैं, 20-20 साल से वो पढ़ा रहे हैं, उनका अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है इतना। तो और जो अब नई नस्ल है, जैसे लास्ट आप देखें जर्मनी के पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट हो गए, तो अगर पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं मेरी, बाहर जाना भी उतना ही जो है हमारे लिए मुश्किल हुआ है। तो असल में इसकी वजह क्या है कि जो वीज़े हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं वो हमारी पाकिस्तान की जो अंदरूनी इस वक्त हालात हैं उसकी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, कि उन्हें ये डर हो कि ये कहीं यहाँ पर आकर सेटल होने तो नहीं आ रहे पढ़ाई का एक नाम लेके। डेफिनेटली ये तो आपके सामने ही है कि अगर कोई वीज़ा लेता है दोबारा वो पाकिस्तान आना भी नहीं चाहता, सिर्फ वो मरने के बाद यहाँ पे अपनी एक कब्र के बस मेरी मिट्टी से मुझे मोहब्बत है तो मैं वापस यहाँ आना चाहता हूँ, उसके अलावा फिर वो जिस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो वहाँ स्पेंड करता है वो उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे मौजूद नहीं है ना। या आप चले जाएँ DHA बैरिया है, फिर अगर उस क्वालिटी पर आप जाते हैं तो वो हर पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बताएं कि जो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपॉर्चुनिटी इंडियंस के लिए ऑफर की है, ऐसी पाकिस्तान को कोई कंट्री ऑफर क्यों नहीं करता, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही है कि हमारी रिकग्नाइजेशन नहीं है इतनी अच्छी, लाइक HEC है, अभी रिसेंटली उन्होंने वर्क किया है, डिफरेंट कोर्सेज हमें कोर्सेरा के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रोवाइड किए हैं बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, गवर्नर पंजाब साहब हैं, इन सबको मिल के बैठ के सोचना चाहिए, ये जो हमारा नौजवान है, ये हमारा असासा है, ये 80% मुल्क से बाहर चला जाता है किसी न किसी तरीके से, आपको पता है डंकी से चले जाते हैं तो किस तरीके से, लेकिन एक ऑफिशियल तरीका होना चाहिए, एक मतलब के इंगेज होना चाहिए, स्टूडेंट्स को इनक्रेजमेंट होनी चाहिए कि आप अच्छा पढ़ें तो आपके हम फलां कंट्री में ये स्कॉलरशिप्स हैं या फलां कंट्री के साथ हमारा ये मुआहिदा है, तो बच्चे उसको अपने गोल बना के पढ़ें और आगे जा सकें। ये बताएं पाकिस्तान के अंदर IT से रिलेटेड तकरीबन कितनी यूनिवर्सिटी होंगी? ऑलमोस्ट अगर काफ़ी हर यूनिवर्सिटी अब तो IT का कह लें कि कोर्सेज करा रही हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, IT, ये तीन मेजर डिग्रीज हैं, उसके बाद अब साइबर सिक्योरिटी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, सब फील्ड्स ये भी बनना शुरू हो गई हैं, और बहुत सारी रीजन है। पाकिस्तानी जो एक स्टूडेंट है, जो डिग्री होल्डर है, उसकी जो डिग्री है रिकग्नाइज की जाती है पूरी दुनिया के अंदर या नहीं? अब मेरा ताल्लुक चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से है, तो मैं एक साफ बात करूँगा, मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैं जब ऑनलाइन काम के लिए जाता हूँ तो वो मुझसे डिग्री नहीं पूछता, मेरा क्लाइंट मुझसे डिग्री नहीं पूछता, लाइक फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांस पे या लिंक्डइन के थ्रू, वो मेरा एक्सपीरियंस देखता है कि मेरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा है, मैंने जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं वो किन लैंग्वेजेस में है, किन फ्रेमवर्क्स में है, मेरी एक्सपर्टीज कितनी है। और सम हाउ अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी डिग्री सिर्फ एक एंट्रेंस है कि आपको डोर से एंट्रेंस मिलती है, उसके बाद आपकी अपनी स्किल्स हैं,
और अनफॉर्चुनेटली वो स्किल्स भी बस कुछ चंद यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें वो स्किल सिखाई जाती है, आम यूनिवर्सिटीज के अंदर उस तरह से वो स्किल नहीं सिखाई जा रही। हम इंडिया के अगर मुकाबले में जाना चाहें आईटी के फील्ड में, जिस तरह इंडिया की एक्सपोर्ट है आईटी के अंदर, वो बड़ी एक्सपोर्ट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? डेव सिंह के जो सीईओ हैं रिसेंटली, उनका मैं ना एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान की कुल आईटी की एक्सपोर्ट है, इंडिया की एक कंपनी है उसकी जो टोटल वन ईयर की एक्सपोर्ट है उसके बराबर है। तो इस तरह के हमारे हालात हैं और ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं कि अब डेव सिंह का जो एक मकसद है, उनका भी यही मकसद है कि हर आने वाला बच्चा सीईओ कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बने, पाकिस्तान में कंपनीज बने। ये हमारे नौजवान हैं, बड़ा सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, कोई उनकी जो भी मेहनत रिकग्नाइज नहीं करते, इनकरेज नहीं करते उनको। ये मसले मसाइल हैं ज्यादातर। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोई, आप समझते हैं आईटी हब बनाने चाहिए, कोई आईटी सेंटर बनाने चाहिए इस तरह हर शहर के अंदर? जहरी बात है गवर्नमेंट को बहुत से काम करने चाहिए। लाइक अब हम डेवलपमेंट करते हैं, अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हम गिटहब को यूज करते हैं, हमें यूनिवर्सिटीज की तरफ से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ से मेल ही नहीं मिल रहा जिसकी वजह से हम वहाँ पे स्टूडेंट पैक्स ले सकें। अब बेतहाशा मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं लिंक्डइन पे जो स्टूडेंट डेवलपर पैक्स लेते हैं, डिफरेंट मतलब के जो भी हमारे डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, वो डिफरेंट जो हैं टूल्स लेते हैं डिफरेंट, वो अपने स्टूडेंट कार्ड के ऊपर या ईमेल के ऊपर, स्टूडेंट ईमेल के ऊपर, और हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमें वहाँ पे स्टूडेंट ईमेल तक नहीं दिया जा रहा। तो आगे आपके सामने है कि हमें अगर कोई ऐसा लाइक गिटहब यूज़ करना है, लिंक्डइन यूज़ करना है, तो हम वो फ्री यूज़ करते हैं, हम प्रो वर्जन नहीं यूज़ कर सकते। अगर प्रो करना है तो हम पे करके करते हैं। अभी हम स्टूडेंट हैं, अब पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ऑफ़र अवेल कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी के मेल पे और कार्ड पे, और हम वो ऑफर अवेल ही नहीं कर। आखिरी सवाल आपसे, एक तो आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेल हो रही, दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं वो काबिलियत में दुनिया के बाकी स्टूडेंट के मुकाबले में हैं? यानी पाकिस्तान का अगर कंपेयर किया जाए इंडियन स्टूडेंट से तो हम कहाँ पर खड़े हैं? ओवरऑल अगर देखा जाए, देखें पाकिस्तान का तालिब इलम ना डर जाता है। अब अगर गूगल फेसबुक की जॉब्स की बात आए, गूगल की, मेटा की, तो इंडियन बेधड़क होकर उसके ऊपर अप्लाई करता है। पाकिस्तानी यही सोचते सोचते रह जाता है कि पता नहीं मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, मैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एंटर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये कैरियर फेलोशिप यानी कि उनकी वजह क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर या वैसे कुछ उनके अंदर कॉन्फिडेंस की लैक है? लैक ऑफ काउंसलिंग है कि काउंसलिंग नहीं की जाती। कि अब अगर हमारे ही अपनी ही डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर में 60 out of 40 स्टूडेंट मेडिकल फील्ड से हैं, उनको क्या समझ आएगी चीज़ों की जब वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेडिकल पढ़ के आए हैं, जिन उनका कंप्यूटर से कोई तल्लुक ही नहीं है। तो ये लैक ऑफ काउंसलिंग है, प्राइवेट स्कूल बिजनेस बना रहे हैं, उनको सिर्फ फीस से मकसद है, उनको ये मकसद नहीं है कि यार ये स्टूडेंट है, इसने इसको मैं ये चीज़ चेक करूं कि इसको आईटी में जाना है, इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, काउंसलिंग की जाए उसके रिलेटेड, उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ऐसा कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। जो भी है वो बेचारा स्टूडेंट खुद सोचता है, देखता है, चाचू के बेटे ने ये किया, मामू के बेटे ने ये किया, कोई एक दो स्टूडेंट है। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने 9th 10th में भी कंप्यूटर पढ़ा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कंप्यूटर पढ़ा, और अब बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कि पहले से एक गोल क्लियर है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। और ये भी चूंकि मैं बड़ों के साथ इन टच रहता था, अपने टीचर्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, तो मुझे कुछ गाइडेंस मिली है। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको हालात बताए हैं कि 80% स्टूडेंट जिस फील्ड में बैठा है वो उससे मुतमिन ही नहीं है, या वो बाई चांस उसके अंदर आया, ये बहुत बड़ा मसला है। यानी उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। बिल्कुल जी, काउंसलिंग का बहुत बड़ा मसला है कि उनको पता ही नहीं है उन्होंने कैरियर किस फील्ड में बनाना है, और अगर उन्होंने इस फील्ड में जाना है तो उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कुरम। क्या करते हैं आप? मैं जीसी से स्टडी कर रहा हूँ, बीएस ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक। और आप? सुभान। आप क्या करते हैं? मैं अपना काम है होलसेल का। अच्छा सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी अपना सब कैंपस खोल रही है इंडिया के अंदर, और उसके साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनके दरमियान एक एग्रीमेंट उन्होंने किया है दोनों मुल्कों में, कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनकी जो डिग्री है
वो रिकग्नाइज की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि जो इंडियन जो स्टूडेंट है उनके लिए कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही, क्रिएट हो रही? और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को आप इस वक्त किन हालात में देख रहे हैं? देखिए, अगर इस पर बात की जाए ना, तो सबसे पहले जो है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उसमें करिकुलम चल रहा है, वो हमारे पास बहुत पुराना चल रहा है। यानी हम अगर इनको कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, जिसके साथ मर्जी कंपेयर कर लें, मतलब जो आपके जो वाइट पर्सनस हैं उनके पास जो इस टाइम करिकुलम चल रहा है, हम उससे कम अज़ कम भी ना 25-30 साल पीछे चलते हैं। जो वो बुक्स 25-30 साल पहले पढ़ते थे, आज हम वो पढ़ रहे हैं, और उन्होंने थ्योरी 25-30 साल पहले छोड़ दी है, अब वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जिसको मर्जी देख लें, एग्री देख लें आप, जीसी देख लें, जो मर्जी यूनिवर्सिटी देख लें, मेजर से मेजर यूनिवर्सिटी भी प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं देती अक्सर। तो यहाँ लैब्स भी नहीं है, जीसी के पास भी लैब्स नहीं है इस टाइम, एग्री के पास भी लैब्स नहीं है। पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, तो इसकी यूनिवर्सिटीज़ का अगर ये हाल है तो छोटे शहरों का क्या बनेगा? छोटे शहरों में तो यूनिवर्सिटीज़ है ही नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेट इसीलिए नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कुछ ना, यानी कि कल्चर में भी ये है कि जो जो पुरानी सिटीज़ हैं, यानी कि आप देख लें जो इस टाइम साउथ पंजाब है, वो अक्सर बच्चियों को पढ़ाता ही नहीं, इसी वजह से कि हमें मूव करना पड़ेगा, बड़े शहर में जाएंगी, सही है, और हमसे अलग हो जाएंगी, तो इसीलिए वो पढ़ते ही नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें 10 गांव 12 गांव हो गए, उनमें एक स्कूल है हाई स्कूल 8th तक सिर्फ, उनके पास भी एजुकेशन सिस्टम नहीं अभी पहुँचा। और दूसरा, अगर हम इस चीज़ को देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम करना छोड़ दिया, उनमें टीचर्स भी ट्रेंड हैं, सही है, पर उनको ना पता है कि हमारी जॉब कंफर्म है, तो वो लोग इस चीज़ पे जोर नहीं देते कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, वो सर ये कहते हैं कि हमने पढ़ाना है, बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो उनके अपने ऊपर है ना। बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं जो हमने चेंज नहीं किए, अगर यही चीज़ हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते अपने, यानी कि जो सिस्टम है और एजुकेशन को और बुक्स को, हालांकि हमारे पास जो इस टाइम बुक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की होगी, बायो की होगी, वो 90s something की हैं, वो भी उन रिसर्चर्स ने लिखी हुई हैं जो गोरे थे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें मेन खराबी उसी के अंदर है, यही आप कहना चाह रहे हैं? मेन खराबी जो है ना इस टाइम जो करिकुलम चल रहा है ना उसमें है। अगर हम उसको अप टू डेट करें और उसमें कुछ चेंजेस लेके आए ना, तो हम बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। हमें प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। थ्योरेटिकली हम किसी को गाड़ी चलाना सिखाते रहेंगे ना, उसको कभी गाड़ी चलाना नहीं आएगी, जब तक गाड़ी में बिठाएंगे, हाँ गाड़ी में उसको बिठाएंगे नहीं, उसको बेशक बताते रहें कि एक ब्रेक होती है, एक एक्सेलरेशन पैडल होता है, सही है, सब कुछ उसको बता दोगे, उसको गाड़ी में बिठाओगे, कॉन्फिडेंस और स्किल उसको तभी मिलेगी जब उसको उस गाड़ी पर हाथ लगेगा। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, वो बेशक थ्योरी की 100 बुक्स भी पढ़ लेना, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो पाकिस्तान से जो बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, वो डिग्री लेकर वापस आकर अगर हमारे सिस्टम को बेहतर करना चाहें तो मेरे ख्याल में कर सकते हैं, या वो वापस आते ही नहीं? देखें, अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर उनको वहाँ पे उस तरह ही फॉल करती है ना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बाहर से आया ना, वो काम नहीं करता यहाँ पे, वो यही कहता है कि 3 महीने में छुट्टी आया हूँ, मैंने 6 महीने बाद चले जाना है। वो इसीलिए कि उधर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनको टैक्सेस पे करते हैं ना, अगर वो अगर एक सड़क का टैक्स पे कर रहे हैं ना 20,000, उनको उस 20,000 का पता लगता है कि लगा है। हमारे यहाँ पे टैक्सेस हम पे कर देते हैं, पर उस टैक्स का कोई, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कहीं लगा है, नज़र नहीं आता। ये बताएं कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनमें और पाकिस्तानी स्टूडेंट में भी कुछ फ़र्क है? एक तो सिस्टम का तो फ़र्क हुआ ही, आया कि स्टूडेंट में भी फ़र्क है कोई? स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ और जो स्टूडेंट में, जो मैं कहता हूँ कि फ़र्क कोई नहीं होगा, क्योंकि इंसान इंसान है, वो वहाँ पे भी इंसान ही है, यहाँ पे भी इंसान ही है। ये तो चलो हम अपने, यानी कि बाउंड्रीज है ना कि ये इंडियन है और वो पाकिस्तान है, बाकी है तो हम सारे इंसान ही। तो अगर एक इंसान कर सकता है ना, तो दूसरा इंसान भी कर सकता है। ये हमारी, यानी कि जो हमें बूस्टअप करने वाले लोग हैं ना, उन पर डिपेंडेंट करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर वो हमें एक, यानी कि एक पौधा है, अगर हम उसको कहेंगे ना ये बड़ा नहीं होगा, रोज उठ के उसको यही कहते हैं कि ये नहीं, ये चल नहीं सकता, ये खराब हो जाएगा, ये इस तरह का, ये इस तरह का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। वही कोई पौधा हो जो मुरझा रहा हो और उसके साथ अच्छा हम शुरू कर देना बर्ताव, यानी उसके साथ लविंग नेचर में स्टार्ट हो जाए, उसको रोज पानी दें, उसका केयर करें, जो पत्ता हल्का सा ड्राई होता है उसको तोड़ दें, तो वो दरख्त भी एक दिन ना ठीक अच्छा खासा, यानी कि वो पौधा चल पड़ेगा, एक दिन दरख्त होगा। तो फल लगने के लिए पहले उसकी, यानी केयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो जो
आप कह दें कि उसको 4 इंच का पौधा हो उसको फल लग जाए, फल के लिए पहले तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा ही पौधा है जो मुरझा रहा है। हाँ जी, तो इसको तरोताज़ा करने के लिए, इसको ग्रीन करने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है? सबसे पहले जो है ना, जो ये आप काम कर रहे हैं ना, अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि हम डरते बहुत हैं, किसी काम को भी ना करने से डरते बहुत हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना उनकी कोर्ट्स को, समझ लें किसी भी यानी कि वाइट पर्सन, यानी कि जो इस टाइम हम जिनको कहते हैं जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, उनकी कोर्ट्स के केस देखेंगे ना, एक इशारा टूटने का भी केस उनकी कोर्ट में आता है। हम अगर यही पाकिस्तान में हो, एक बंदा यहाँ इशारा टूटने के केस में पहुँचा हो, उसके सुनी नहीं जाएगी, वो कहेंगे ये तो केस ही नहीं बनता। इस यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये रूल्स पे है, हर चीज़ रूल्स पे है। अगर आप रूल्स से बाहर होकर कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। तो हर चीज़ के एक रूल्स होते हैं, अगर आप उसके रूल्स प्रॉपर बना लें, हर चीज़ अगर प्रॉपर कर लें, तो वो कंप्लीट आपकी यानी कि एंड तक आप ऐसे बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। तो यही चीज़ें हमारे यहाँ पाकिस्तान में कमी है। हमने रूल्स बहुत है हमारे पास स्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर, यानी कि अमल कराने वाला कोई बंदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? मोहम्मद बिलाल रजा। बिलाल भाई क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। और आप? मैं डिज़ाइनर हूँ। किस चीज़ के? ग्राफिक डिज़ाइनर, पैकिंग एक्सपर्ट भी। अच्छा, आज सर हम टॉपिक है हमारा पाकिस्तान और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो उनकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो है अपना कैंपस खोल रही है इंडिया के अंदर। तो इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही? इंडियन और पाकिस्तान, मैं इसको लाइक एहसास कमतरी नहीं कह सकता, लेकिन हमारी एजुकेशन का सिस्टम जो मैं ये सारी मैंने बेस इसीलिए बनाई, हमारी एजुकेशन हमारी मेंटालिटी क्या है। अभी हम बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं, वो लाइक स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, अमेरिका, बहुत सारी कंट्री में आपको लाइन लगी नज़र आ जाएगी। मैं सिंपली आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, आप उनसे पूछ लें, ये जो सेम आप बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपने सब कैंपस खोल रही हैं इंडिया में, और वो इंडिया में एजुकेशन दे के उनको उधर ही डिग्री प्रोवाइड करेंगी, सेम लाइक हमारे स्टूडेंट जो जाते हैं उधर यूके में पढ़ने, जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करते हैं डिग्री लेने जाते हैं, अगर वो पाकिस्तान में डिग्री दे तो क्या स्टूडेंट हमारे जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में उसकी क्या वजह है? प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन, सिंपल इज दैट। बाकी आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अपॉर्चुनिटी जो इंडियन को मिल रही है उसकी क्या रीज़न है कि वो हर जो कंट्री है वो इंडिया के साथ इस तरह के जो माहदे कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, उसकी क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम उनको बेहतर लगता है, इंडियन जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा हमसे काबिल है, उसकी क्या रीज़न है, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह बहुत सादा है और सिंपल है, वो बहुत मैच्योर लेवल पे पहुंच गए हैं। हम जब से बने हैं, अभी मैं नरेंद्र मोदी साहब का एक क्लिप देख रहा था, वो उसमें क्लेम कर रहे थे कि 1947 से पाकिस्तान बने, तो अभी इंडिया को देखो, आपसे तो कश्मीर नहीं संभाला गया, अपने वाला पीओके नहीं संभाला गया, आपसे गिलगित नहीं, आपने सिंध नहीं, आपसे बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, और मुकाबले की बातें हमसे करते हो, ये डूब मरने का मकाम है। उनकी जो देखें, उनका एक सिस्टम बना हुआ है, उन्होंने अपनी जो है एजुकेशन को, अपने ओवरऑल सिस्टम को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया। हमारे इधर क्या हुआ, हमारे 1945 से सिर्फ और सिर्फ माफियाज जो है ना वो पले बड़े हैं, उन्होंने ही तरक्की की है। जो हमारा जो सिस्टम है वो इधर कोई अभी तक तो हमारा कोई सिस्टम नहीं बन सका कि पाकिस्तान ने चलना किस सिस्टम के तहत, हमारा कोई निज़ाम नहीं है। हम ब्लेम दे सकते हैं, कंपैरिजन की बात नहीं है,
इंडिया अगर अच्छा है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। हमने सिर्फ उनको कम्पीट किया है हथियारों में, एटॉमिक पावर्स बन गई, वो भी बन गए, हम भी बन गए, उसके अलावा हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। डेफिनेटली वो अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छा निज़ाम है उनका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सैफुल्ला। सैफुल्ला भाई क्या करते हैं? मैं यहाँ से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज़ की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने सब कैंपस जो इंडिया के अंदर खोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होंगी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट आपके सामने हैं कि यहाँ पर जिस तरह का सिस्टम है, तो क्या कहेंगे इसके जो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली वहाँ के स्टूडेंट को और हमारे स्टूडेंट के जो हालात हैं, इस पर थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करें। असल में सबसे जो बेसिक है ना, वो एक तो लीडरशिप होती है। अगर लीडरशिप किसी मुल्क की अच्छी होती है तो उसके लिए वो स्टूडेंट है को वो अपने स्टूडेंट को असासा समझते हैं हम पाकिस्तान का, क्योंकि स्टूडेंट ही पाकिस्तान का सरमाया है। अगर इसके ऊपर ही अच्छा काम ना किया जाए तो फिर वो मुल्क कभी नहीं तरक्की कर सकता। अब इंडिया वालों ने उन्होंने अपना असासा समझा स्टूडेंट को, उनको तालीमी सरगर्मी अच्छी दे रहे हैं, और उसके बाद वो मुकम्मल होने के बाद फिर वो उनको जॉब्स वगैरह उनके शोबे के मुताबिक जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो समझते हैं। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से ये है कि हमारी जो है ना लीडरशिप वो इस बात को समझती नहीं है। ठीक है, हमने ही करना है सब कुछ, दूसरा बाढ़ में जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज जो है वो स्टूडेंट के फेवर में होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसमें खान साहब एक बार उन्होंने यह पॉलिसी अपनाई है कि जब वो बरतानिया से उन्होंने किया है अपनी डिग्री, फिर उसके बाद फोर्ड यूनिवर्सिटी का उनको चांसलर का मौका दिया गया, तो उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान में ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही कैंपस कोई हो मुझे दे दीजिएगा, तभी मैं वाइस चांसलर की शिप संभालूंगा। तो वो खान साहब ने वो ली थी, वो उससे आज भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कैंपस है पाकिस्तान के अंदर? जी पाकिस्तान के अंदर। कौन से शहर में है? ये लाहौर में है। और उससे वो उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो कैंपस से डिग्री लेते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो उनको यही होता है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन लड़कों को प्रेफर किया जाता है। इसी तरह बदकिस्मती से लीडरशिप का बहुत हमें नुकसान है कि एक अच्छे ईमानदार लोग नहीं है हमारे मुल्क के ऊपर, तो इसीलिए ज़्यादा नौजवान तबका इमरान खान की एक ही उम्मीद है, वो उसी के लिए बैठे हैं कि वो ही सब कुछ करेगा, तो वही उम्मीदें हैं, और पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इंडिया के अंदर अगर इंडिया की बात करें तो उसकी क्या वजह है कि इंडिया के जो स्टूडेंट हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसकी रीज़न? उसकी यही रीज़न है कि लीडरशिप उनको एक्सपेरिमेंट करवाती है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑनलाइन के बाद उनके यूट्यूब चैनल्स पे वो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं उनको, हमें वो दरअसल में ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड भी नहीं होते। अगर एक अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर यहाँ पर तो पता चला कि आपकी जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर लैब ही नहीं है। सर वही है बात, असल में बात यही है कि जब तक एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करके ना दिखाया जाए होता ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह ही है, तो ये हमें उससे हम मुफीद नहीं है इससे। तो अगर असल में क्योंकि वही बात आ जाती है, कहने का मकसद है कि अगर फैसलाबाद का कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ता है या जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अगर मुल्क से बाहर जाएगा भी तो उसकी डिग्री को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, यही कहेंगे ना आप? उसको जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो जब कहते हैं कि इसका क्या मसला है, वो कैसे इसका हल निकालो, तो फिर वो आगे खामोश होता है। इसलिए खामोश होता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास प्रैक्टिकल है ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटी में तो प्रैक्टिकल होता है, अगर उसका यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नहीं है तो उसकी डिग्री का फ़ायदा क्या, यूनिवर्सिटी के पढ़ने का फ़ायदा क्या? इससे अच्छा कि वो बैठ के घर में बैठ के पढ़ ले, वो ओपन यूनिवर्सिटी की तरह से भेज दें। तो ये मैं यही समझूंगा कि लीडरशिप में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर लीडरशिप अच्छी होगी तो स्टूडेंट भी अपना वो उसको एक आवाज़ जाएगी, वो देखेगा, उसको परखेगा, वो करेगा। एक लीडरशिप ही अच्छी नहीं है, स्टूडेंट जितना मर्जी बोल रहे उसको कुछ नहीं होना, लीडरशिप को कुछ नहीं होना। थैंक यू।